हो, देखो ऑनलाइन वीडियो भेजो नहीं। नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज रात्रि के समय राजस्थान के किन किन जिलों में भारी बारिश देखी जा सकती है, कई जगहों पर तेज भारी बारिश की संभावना बन सकती है, कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी, कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना बन सकती है। आज रात के दौरान पूरे प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, अभी की बात करें तो अभी जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर सहित कई भाग जहां पर बादल सक्रिय हैं और बारिश की गतिविधियां हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, कई जिलों में आज रात के समय भारी बारिश देखने को मिलेगी, कई जगहों पर अत्यधिक मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। और कल 21 जुलाई के दौरान दिन में मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बड़ी मौसम की जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले किसान साथियों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना ताकि बड़ी मौसम की जानकारी आपको हमेशा समय समय पर मिलती रहे। किसान साथियों, अब जानते हैं आज रात के समय किन किन जिलों में बारिश होगी। फिलहाल देखा जाए तो अभी पश्चिमी राजस्थान क्षेत्रों की बात करने वाले हैं। आज रात्रि के समय जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर सहित जैसलमेर के कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। इसी के साथ ही एक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव होगा। इस समय मॉनसून ट्रफ लाइन है वो जैसलमेर से होते हुए कोटा से गुजर रही है, जिस कारण अभी इन जगहों पर फिलहाल बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। साथ ही मध्य राजस्थान के भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त की बात करें तो अभी फिलहाल जोधपुर, बाड़मेर, जालौर सहित जोधपुर, पाली आसपास के क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आगामी 2 से 3 घंटों के दौरान इन जिलों में अच्छी खासी बरसात की गतिविधियां होगी। साथ ही बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो बीकानेर के लगते पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके, साथ ही बीकानेर, लूणकरनसर, खाजूवाला आसपास के क्षेत्रों पर बारिश देखने को मिलेगी। किसान साथियों, बीकानेर के मध्य पूर्वी भाग, साथ ही यहाँ दक्षिण पूर्वी भाग जहाँ पर बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ आसपास के क्षेत्रों पर कई ग्रामीण अंचल में मौसम विभाग ने आज भी अगले 2 से 4 घंटों के दौरान इन जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही बात करें या झुंझुनू सीकर बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है, लाइव लाइटनिंग हो रही है, और अलवर, भरतपुर, धौलपुर सहित इन क्षेत्रों पर भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर धीरे धीरे बादलों का दौर बना हुआ है और आगामी कुछ ही समय के दौरान धीरे धीरे बादल सक्रिय हो गए और कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही मध्य राजस्थान की बात करें तो नागौर और सीकर, झुंझुनू के आसपास के एरिए कुछ ही समय के दौरान बादल सक्रिय हो गए और कई जिलों पर बारिश की दौर दी। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा के लगते मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों पर बादल काफी सक्रिय हो चुके हैं। आगामी कुछ ही समय के दौरान ये धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो राजस्थान के कई जिलों में कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ सहित प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद इन जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। बादल काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पूरे राजस्थान क्षेत्रों की बात करें तो लगभग भीलवाड़ा, जयपुर और टोंक सहित इन जगहों का मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन आगामी कुछ ही समय के दौरान बाड़मेर सबसे ज्यादा, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा बादल अभी एक्टिव है। और साथ ही उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर सहित इन जगहों पर भी धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और कई जगहों पर बिजलियां चमक रही है। आज रात के समय इन जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। फिलहाल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी से लाइक कर देना ताकि बड़ी मौसम की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, और ताजा मौसम अपडेट के लिए फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि बड़ी मौसम की जानकारी आपको रोजाना टाइम टू टाइम हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।